अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मलिक सजील। फ्रेंड्स, अपने पिछले लेक्चर में हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा था कि ये आइट्रेशन स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब लूप, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ये जो तीनों हैं ये आइट्रेशन स्टेटमेंट्स होती हैं। आइट्रेशन स्टेटमेंट्स मीन छोटी छोटी आइट्रेशन बनी होती हैं, मतलब कोई काम बार बार रिपीट हो रहा हो उसका हम अपने आइट्रेशन बोलते हैं। तो आज हम वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे कि वाइल लूप कैसे काम करती है। फ्रेंड्स, फॉर लूप में होता कुछ यूँ था कि स्टार्टिंग एक्सप्रेशन या स्टार्टिंग कंडीशन पहले होती थी, उसके बाद टेस्टिंग कंडीशन होती थी, देन उसमें अपडेशन होती थी। वाइल लूप में कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले उसमें चेकिंग कंडीशन होगी, देन उसमें अपडेशन होगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसका सिंटैक्स लिख लेते हैं, बेसिक जो हमारा है। जी, इंट मेन ले लिया हमने और इसमें हम एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 1। मतलब इसमें जो चेकिंग कंडीशन है उस हमने पहले ले ली, उसके बाद हम वाइल लूप का कीवर्ड यूज़ करेंगे। पहले भी हमने जो फॉर लूप लिया था वो हमारा कीवर्ड था, याद रखिए हम उसे कीवर्ड बोलते हैं। ये हमारा कीवर्ड है वाइल, ए इज लेस देन इज इक्वल टू 15, अब हम कर्ली ब्रैकेट्स में फ्रेंड्स अपनी कोडिंग करेंगे। इसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपनी कोडिंग करते हैं, सी आउट, हम ए को प्रिंट करवा देंगे और नेक्स्ट लाइन के अंदर ताकि अच्छी अप्रोच लगे, स्लैश एन ये नेक्स्ट लाइन के लिए। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, ए प्लस प्लस कर देंगे। ए प्लस प्लस इसलिए किया, सबसे पहले फ्रेंड्स होगा क्या कि सबसे पहले सी आउट ए, ए मतलब ये जो हमारा इंट ए है प्रिंट हो जाएगा 1। सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट लगेगा। अब ए तो हो गया 1, उसके बाद जो नीचे आया कंडीशन में यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ एक का तो वो 2 हो जाएगा। देन इंक्रीमेंट लगते लगते लूप चलेगी इस तरह से और जब तक 15 तक जब पहुँचेगा, जैसे 16 पे जाएगा तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और हमारे जो इसके नीचे हम एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं सिस्टम पास का कि हमारी प्लीज़ इंटर द की वाला मैसेज शो हो जाए। जी तो फ्रेंड्स हमारा प्रोग्राम तैयार हो चुका है। अब जैसे हम इसे प्ले करेंगे तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 15 तक हमारी जो है गिनती वो प्रिंट होके हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। फाइल नाउ इसका नाम हम रख देते हैं वाइल लूप। ये तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर हमारी 15 तक जो गिनती थी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी है। इसको हम एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी बोलते हैं फ्रेंड्स, मतलब इसमें हमारी चेकिंग कंडीशन पहले आती है, उसके बाद जो अपडेशन है वो कंडीशन हमारी सी आउट के बाद आई है। सो आई होप आपको फ्रेंड्स वाइल लूप के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट मी बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।